हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। तो आपको पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम दूसरे वाले खेत में पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं 6 बॉक्सेस। यहाँ पे हार्डली 3 या 4 पौधे हैं, पौधे काफ़ी बड़े हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बच्ची, हेलो मुझे घूर रही है, और ये चढ़े हैं मदन भैया और पप्पू ऊपर। ये है इतना 50 साल, ये है 50 साल पुराना सेब का पेड़ जिसकी हाइट भी काफी ऊंची है, बहुत ही ज्यादा ऊंची है। इसी पौधे से पहले, अब तो कम ही होनी इसमें ना, 1 क्रेट। तो मैं बैग पकड़ लेती हूँ। इस पेड़ से निकाले जा रहे हैं अभी सेब, और इतनी हाइट है इसकी, उस टॉप से सेब निकालने, वहाँ पर भी सेब है अगर आपको दिख रहे होंगे सेब के दाने। ये बहुत रिस्की है इतनी हाइट से सेब निकालना। यहाँ पे शायद यही एक पौधा है, बाकी सब उस तरफ है जहाँ से मैं आई थी। अभी यहाँ पे एक बॉक्स हमारा ये पूरा भर चुका है। एक ये इतना बड़ा पौधा है और इसमें सिर्फ एक दाना लगा है, सिर्फ एक दाना, लार्ज, दो दाने, दूसरा का है। हाँ अच्छा, वहीं पे साथ में 2 दाने। चलो इतनी तो लार्ज रखी इतने बड़े पौधे ने कि कुछ ना देने से अच्छा 2 सेब के दाने दे दिए। यहाँ पर मम्मी ने लगा रखी है बादली, बादली मीन्स राजमा। ये देखो आप, इसके अंदर होती है राजमा की दाल जो कि हम सब की फेवरेट है। ये तो इतने से पार्ट में मम्मी ने राजमा की दाल लगा रखी है ताकि हमारे अपने यूज़ के लिए ये हो जाए। और मैं इसे उठाकर जा रही हूँ अब दूसरी जगह पर जहाँ पर 2 पौधे हैं बड़े। 3 क्रेटे हम लोग लेके जा रहे हैं। ये भंगजीरी है और ये है भंगजीरी। भंगजीरी इसकी स्टफिंग होती है परांठे में, और जो मूड़ा होता है वो भी इसका बनता है, मूड़ा में नमकीन टाइप। मेरी हाइट से भी लंबी इसकी हाइट है। और ये है सीक्रेट नलका जो कि बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है इसमें भी ना, थोड़ी देर खुला कर रहा है इसको। ये है, तो हमारी राजमा और बेडन मतलब भंगजीरी तो हमारी इसी खेत से निकल जाएगी। ये है भंगजीरी के दाने। तो यहाँ पे भी हम होने वाले हैं फ्री। यहाँ पे बचे हैं सिर्फ 2 पौधे, एक ये वाला सेकेंड लास्ट और एक वो वाला लास्ट पौधा। उस पर तो आधा बैग भी नहीं, शायद हार्डली 10 या 15 पौधे सेब है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ये 3 बॉक्सेस यहाँ पे है और 3 बॉक्सेस वहाँ पे है, तो सिर्फ इतनी ही भरी है यहाँ पे। और ये है सामने का कुछ इस तरह का सुंदर सा व्यू। ये नीचे है मेन सड़क यहीं पे साथ में। तो अब हम जाएंगे तीसरी वाली जगह पे, ये वाले बॉक्सेस को लेकर हम वहाँ जाएंगे। बाकी लोग वहाँ पे है, बाकी लोग वहाँ पे है और उन लोगों को हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हैं तोड़ने के लिए। यहाँ पे सिर्फ 5-6 पौधे थे
सेब के, जिसमें से हमें सेब तोड़ने थे, तो हम तीन ही लोग यहाँ पे आए थे। और मैंने डाटू को इस तरह से बांध दिया है। आई नो ये थोड़ा और लगता है, बट इस तरह से डाटू बार बार खुलता नहीं है। तो यहाँ से भी हम लोग हो चुके हैं फ्री। अब हम जा रहे हैं तीसरी जगह पे। एक दिन में तीन जगह हम सेब तोड़ रहे हैं। और ये है प्यारी सी बच्ची, किसी ने यहाँ पे बांध रखी है। हेलो, इसके आसपास इतनी सारी मक्खियाँ, इतनी सारी मक्खियाँ हैं। हेलो, नो चाटना नहीं है बच्चों, डर लगता है मुझको। क्या हुआ, मक्खियाँ तंग करी चा। कांटे निकाल रही, रुक जा। प्यारी बच्ची, सुंदर बच्ची। बाय बाय, रुक जा, कांटे बहुत सारे तुझमें लगे हुए। इसके बाल भी बहुत सिल्की सिल्की, प्यारे प्यारे बाल इसके, प्याले प्याले बाल इसके, प्याले प्याले। बाय बाय। इसे यहाँ पे बांध रखा है ताकि ये सही से घास खा ले आसपास का। तो अब हम चलते हैं। और मदन भाई वगैरह चक्के ला रहे हैं वो बॉक्सेस, छह बॉक्सेस हमने यहाँ पे भरे हैं। तो तीन पप्पू लेके जा रहे हैं और बाकी तीन बाय, और बाकी तीन मदन भाई लेके आ रहे पीछे से। और पप्पू वो आगे पहुँच चुका है, मुझे उस खेत का रास्ता भी नहीं पता है, इसलिए मुझे भी थोड़ी स्पीड रखनी पड़ी। मैं इन्हें फॉलो कर रही थी और मुझे पहले यहाँ पे हैप्पी दिख गए सेब तोड़ते हुए। तो अब मुझे भी यहीं पे जाना है, बट रास्ता शायद वहीं से है। तो जब तैयारी, इन्होंने तो बहुत सारे बॉक्सेस तोड़ दिए। वाह, टैलेंटेड है छोकरा। पहले मैं पानी भर लेती हूँ बॉटल में, क्योंकि यहाँ पर ठंडा पानी है, इसलिए ये है ठंडा और नेचुरल पानी। तो ये तो है जो गांव की लाइफ है। यहाँ पे ना कभी पानी की कमी हो सकती है, ना कभी शुद्ध एयर मतलब शुद्ध हवा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी हवा है नेचुरल, बिना किसी पॉल्यूशन के, बिना किसी चीज़ के, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक यहाँ का खाना, मैंने फ्रूट्स दिखाए आपको, सेब, नाशपाती, पलम, आलू बुखारा, और ये सब चीज़ें हमारी अपनी होती हैं। आलू, राजमा एंड बेडन, जो मैंने आपको, आप लोगों को शायद मोस्टली मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, भंगजीरी, उसके परांठे, मतलब स्टफिंग होती है और परांठे बनते हैं काफ़ी अच्छे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गांव वाले खुद यहाँ पे उगाते हैं, अपने सब्जियाँ भी, गोभी, बैंगन एंड पालक साग, ये सब चीज़ें भी खुद लगाते हैं यहाँ पे। तो जब इतनी सब नेचुरल चीज़ें मिल रही है, तो फिर यहाँ पे लोगों के बीमार होने के चांसेस भी ना के बराबर है, ना के बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोग हो चुके हैं फ्री। तीसरा खेत हो चुका है कम्प्लीट, और एक ही दिन में अब हमें जाना है इसके बाद दूसरी चौथी जगह पर, जहाँ पे आई थिंक सो चार सेब के पौधे हैं वहाँ पर। तो बाकी ये हमारा सब का सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और जो ये बॉक्सेस है, अब हम इन्हें यहाँ पर सड़क पे रखेंगे और यहाँ से गाड़ी में मशीन तक ले जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा ही है, मतलब एक राउंड, बट जो दूर वाले उनको थोड़ा दूर पड़ेगा, मतलब जो नीचे रखे हुए हैं उसके हिसाब से। बाकी गोल्डन सेब भी हमारे अपने यूज़ के लिए, खाने के लिए, तो इन्हें अभी इसमें रहने दिया है, क्योंकि अगर इसे तोड़ दिया तो ये पक जाएंगे, इसलिए इसे मतलब तीन चार दिन रहने देंगे यहाँ पे। एक ये है गोल्डन का, एक ये है, और बीच में भी एक आधा है, मतलब दो तीन पौधे हैं गोल्डन सेब के, तो उन्हें खाने के लिए रखा है। और हमारे बॉक्सेस पड़ चुके थे कम, तो हमने इसे थैले में ही अभी भर के रखा है। मदन भी आ गए हैं बॉक्स लेने, तो एक बॉक्स यहाँ पर लेके आएंगे। तो आपको ये साउंड आ रही है यहाँ पे, तो हम इस कीड़े की खोजबीन करते हैं। ये शांत हो जाता है जब इसके नज़दीक जाते हैं ना, देखना कितनी लाउड साउंड है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। और अब चुप,
ये वही कीड़ा है जिसके लिए हैप्पी ने कहा था कि कड़ै कड़ै करने वाला कीड़ा है। तो बाकी अब जाएंगे हम चौथी जगह जहाँ पे सिर्फ चार पौधे हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर और ये लोग जाएंगे मशीन के पास, मशीन के पास। तो मुझे जाना पड़ेगा घर खाना बनाने, ऑफ कोर्स डिनर तो करना ही पड़ेगा। और मम्मी गए हैं किसी काम से रोडू, तो शायद आज ना आए, बाकी देखते हैं क्या बनता है। पापा गए हैं नीचे ब्लैक एंड वाइटी वाले खेत में, जहाँ पे ब्लैक एंड वाइटी होता है उस वाले खेत पे। और यहाँ पे सिर्फ यही गाड़ियाँ कामयाब है पिकअप, क्योंकि जो 4x4 गाड़ियाँ है सिर्फ वही इस रास्ते पे चल सकती है। कितना भयानक रास्ता है ये, जो तो छोटी गाड़ियाँ है और मतलब जो डाउन गाड़ी है वो तो ख़त्म है यहाँ पे। बाकी वहाँ पे है लैंडस्लाइड खतरनाक वाला, रोड तो शायद टेम्परेली बना रखा है मेरे ख्याल से उधर शायद गाड़ी के लिए, क्योंकि क्रॉस तो होती है वहाँ से गाड़ियाँ। हेलो कर दो भैया, हेलो कर दो, करो हेलो, हेलो करो। ऐसे करो ना हेलो, ऐसे करो हाथ से हेलो। ये हमारे न्यू भैया जो मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो नेपाली भी समझ नहीं आती। अब बाद में देखना, जब ब्लॉग पड़ जाएगा तब देखना, अभी क्या देखोगे। तो ये कर रहे हैं इसको उठाने की तैयारी, बाकी लोग लगे हैं अपने काम पे। कोई ना मार देंगे आराम से। अब जहाँ पे तीन पौधे रह गए वहाँ पे हम लोग चलते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद मुझे घर निकलना चाहिए, क्योंकि इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा अभी धोने में और फिर गाड़ी लोड करनी है, उसके बाद मशीन तक पहुँचानी है, फिर वहाँ से उतारना है उसको, तो शायद इन्हें टाइम लगे। तो आई थिंक सो मुझे वो चार पौधे हैं जो वहाँ पर फारिग करके मैं निकल जाती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या है सिस्टम। तो देंगे तब तक हम जाते हैं परे खाली बैग को लेकर, और मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। जब वो खाली हो जाएंगे उसका मैं घर निकल जाऊँगी, ठीक है बच्चों। उधर से इधर इतनी जगह फैले हुए खेत, क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हर जगह पे, तो जो खेत है वो तो संभालने पड़ेंगे ऑब्वियस सी बात है। तो बस छोटे छोटे पार्ट में है, बस इसी का है, थोड़ा एक ही जगह पर होता तो ज़्यादा बेटर था। और ये है इतने बॉक्सेस, 3, 6, 9, 10, 11 यहाँ से उतरना पड़ेगा। फेंको, हटो, फेंकती हूँ। ये बना रहे हैं अभी उतरने के लिए रास्ता। तो बस मैं भी उतर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जो ये भैया है इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता ही है। तो इन्होंने पहले इस पौधे पर एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, और उस पर 7,000 कुछ व्यूज आए, और इस पौधे के हालात देख लो, ग्रो ही नहीं कर रहा है। ग्रो ही नहीं कर रहा ये पौधा, अगली बारी डबल कर रहा है। किस चीज के 7,000 व्यूज खाए आपने सर? हाँ? उस टाइम तो अच्छा ही लग रहा था। देख लो पौधा ग्रो ही नहीं हुआ, बल्कि पत्ते खराब हो गए इसके। यही है वो शख्स अगली बारी डबल जिसने 7,000 व्यूज ले लिया और पौधे उगा ही नहीं।
तो ये रह गया लास्ट पौधा, यहाँ पे एक पेड़ वहाँ पे रह गया है, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग हैं फ्री। फाइनली हम लोग हो चुके हैं फ्री, टोटल 151 क्रेट तोड़कर। तो अब इन लोगों से लेती हूँ मैं विदा, क्योंकि ये लोग अभी रुकेंगे यहाँ पर, इसको लोड करवाएंगे गाड़ी में, तो मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। तो ठीक है देखू, मैं निकलती हूँ फिर ना, बाय। इंटरेस्ट ही नहीं कोई पाए बोलने में, काम करवा दिया, बाहर में जाए। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ। घर पे शायद कोई गेस्ट आए हुए हैं, आई थिंक सो, बैठे हुए किचन पे। तो बस अब इसके बाद बनाऊंगी डिनर और हैप्पी वगैरह लेट आएंगे शायद 8-8:30 बजे तक, डिनर के टाइम पे ही। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। हमने छोटे छोटे मतलब खेत है जो हमारे, वहाँ पे एप्पल हार्वेस्टिंग की 5 खेत हमने कंप्लीट किए। पांचों में मैं नहीं गई थी, वहाँ पे सिर्फ 2 पौधे थे, तो वहाँ पे उनको ही भेजा था जो हमारे हेल्पर थे। बाकी 4 खेतों में हम लोग खुद गए हैं और टोटल 151 बॉक्सेस हमने तोड़े हैं सेब के। तो बस मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बिजी रहा, बट मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो देते हैं आप लोगों से विदा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।